कि पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे कुरान दे नाम, पंजाब जीवे कुरान दे नाम। कबहू न डरू और इसू जब जा ही लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। सिद्धू थोनू वचन दिंदा मरदा मरजू, मैं कहना मरदा मरजू पर अडानी ते अंबानी नू पंजाब दी इस पाक धरती ते पैर नहीं धर दूंगा जब तक मैं जीऊंगा। नहीं कर प्रमाण है कि आवाज जुल्म दे खिलाफ उठूगी और जुल्म नू पछाड़ूगी। आई ते पहला नहीं कहते दबे, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, उसे पंजाबी सरदार कहते, खुददार कहते। आलो जिन्हों अग्ञानी लोग मनुख कहते थोड़े चरणों के ही मैं गुरु रामदास पातशाह देता है, थोड़े साफे नवजोत सिंह सिद्धू आधे साफे मर, किसानी नहीं मरने नहीं, किसानी साड़ी पछाण है, किसानी साड़ी आन बान शान है। तो कौन कहता कि 50% किसान का संघर्ष है, पंजाब का संघर्ष पवित्र संघर्ष है। इनू कोई बंदा जे बाहरलियां ताकतां दे नाल जोड़ के खराब करने की कोशिश करूं तो सिद्धू छाती लै के खराब। हाथ खड़े करी मर की लोड़ नहीं, अज वट कर दू जलेबिया नूं इकट्ठा कर दू, सारे इन्हां दे कोल खोल दू, मैं पर्दे इन्हां दे फाश कर दू। एक भावना इन्हां दी, एक खोटी नीयत है इन्हां दी। ते अज जे कोई फैक्ट्री वाला वड्डा जिहड़ा दिल्ली वाला देखे ना तुसीं अंबानी अडानी, हाँ वाह देखण वाले, हवाई जहाजां तों थले नहीं उतरदे, पैर जमीन ते लगदे नहीं। जे इहनां दी फैक्ट्री कदे पोल्यूशन करदी है ना, इहनूं पोल्यूशन करदी है तां उहनूं टैक्सां दी छोट दिंदे आ, टैक्सां दी छोट। लओ अज सेंटर दी सरकार च आके मेरे नाल कोई बहस कर ले, 5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स छड्डदे कि नहीं छड्डदे, टैक्सां छड्डदे आ। जिन्ने बैंक देश दे सरकारी बैंक 17 लाख करोड़ रुपया लुटाता, जे कोई किसान जांदा ना कर्जा लैण बैंक दे विच उहदा फार्म नहीं भरिया जांदा, 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ आ नीरव मोदी, फलाना मोदी, ढमकाना मोदी, बैठ के वड्डे वड्डिया की गोदी ते फुर जांदे आ बाहर नूं। इन्हां ते एक कार्रवाई हुई है 17 लाख करोड़ रुपया, ये देश का खा गए 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्सा की छोट। तो जे कोई गरीब किसान मजबूरी च पराली फूकदा ते 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते अंदर दे हुंदा जेल। जदों सरकारां उन्हां लोकां नूं सजा देण लग जाण जिन्हां ने वोटां पा के जिताया, जदों सरकारां बदले दे उत्ते आतुर हो जाण ते समझ लो उन्हां दी उल्टी गिनती शुरू होगी, उन्हां दी बुद्धि भ्रष्ट होगी। दुद्ध नूं भट्ठी दे उत्ते रखो ते दुद्ध दा उबलना निश्चित, ते जदों किसान दे विच रोश आ जाए, आक्रोश आ जाए, ते सरकारां दा उलटना भी निश्चित है। ये लिख लो मेरी गल, ये हो के रहूगा। ते मैं अज इस पराली वाले फूकण वाले मसले तो शुरू करदा हां, दुद्ध दा दुद्ध कर दू, पानी दा पानी कर दू। कोई कहिंदा जी पराली नूं फूकण दे नाल दिल्ली च पोल्यूशन होंदी है, कोई कहिंदा जी नहीं होंदी। मैं इस वाद विवाद च पैंदा ही नहीं, पंजाब दे पिंडां दे विच ते पोल्यूशन हो रही है ना यारो, दिल्ली ते बहुत दूर है। मैनू फिक्र है कि अपने पंजाब दे किसानां नूं पराली ना फूकण दे अजिहे विकल्प ऑल्टरनेटिव इनसेंटिव दिते जाण, उह पराली भी ना फूकण ते उहनां दी आमदन भी वधे। तुसी कोई अजिहा इनसेंटिव दिता कि किसान की आमदन वधे यारो,
पराली फूक सके। जब तक सरकारां पराली दे मसले दे विच किसान दे मुनाफे वाले हल नहीं दिंदियां ते देणगियां नहीं, जब तक सरकारां किसान दी बाह नहीं फड़नगियां तब तक वह पराली फूकन दे मसले ते किसान नूं नहीं बल्कि अपनी नाकामी नूं निंद रहियां ने। मैं डट के कहना और ठोक के कहना ये उन्हां दी नाकामी। अज केंद्र ऑर्डिनेंस लेके आया कि पराली फूकन से सजा दे दिया गई, पर उन्होंने पराली ना फूकी जाए इसलिए हल्ला नू पूरे पंजाब विच किवें लागू किया जाए इहदे उत्ते कोई कदम चुके हैं तो दिखाओ। आ देखो उन्होंने दुध का दुध करूं पानी का पानी। सरकार हैप्पी सीडर से दे दिंदियां ने, हैप्पी सीडर दे दिंदियां ते सबसिडी भी दे दिंदियां ने, पर करजाई किसान एक दो एकड़ वाला किसान कितों ट्रैक्टर लेके हैप्पी सीडर चलाऊ? किसी ने सोचा कितों तेल पाऊ डीजल पाऊ जो पहले ही करजाई है? यह किसी ने सोचा? इस तो चंगा तो किसान सोचता है कि अग्गी ला दो, मजबूरी च फूकदा पराली मजबूरी च। केजरीवाल साहब वो आके कहते हैं जी के पराली तो असी खाद बनावांगे। बिल्कुल बना सकते हो महाराज, बिल्कुल बना सकते हो। उन्होंने एक दो खेतों के जाके उ खाद दिती भी है, पर दिल्ली तो चार खेत है, किसानी है ही नहीं उसे, कहड़े खेत ने, खेती है ही बहुत घट। पंजाब सरकार तो अज तो दो साल पहला ही पराली तो बायो सीएनजी बायोचार ते होर बायोफ्यूल बनाने का उपराला लेके आई है। उहदे प्रोजेक्ट भी पंजाब दे विच कई पिंडां विच चल रहे हैं, पर वो पंजाब की पराली का सिर्फ 5% हिस्सा है, सिर्फ 5% हिस्सा पंजाब की पराली का। तो पराली दे होर भी बड़े हल होंदे ने। किसान तो पराली के फायदे नुकसान बहुत चंगी तरह समझते हैं। मैं सब समझता भी किसानों पराली के फायदे नुकसान चंगी तरह पता, पर जो मेरे शहरी भैन भाई आए हैं मैं उन्होंने भाषा के उन्होंने समझा देना है कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खिंचदा ते ऑक्सीजन छड़दा है, उसका शरीर कार्बन का बनया होया। इसलिए पराली की कोई भी खेती वेस्ट, पराली होवे या कोई भी खेती वेस्ट, ये नैचुरल कार्बन का स्रोत है, नैचुरल कार्बन का। इन तो बायोचार बायोगैस बायो सीएनजी मन्योर पराली के कार्डबोर्ड वो प्लेटा जिहड़ियां रीसाइकल करी दियां ने चमचे अभी सब कुछ बना सकते हैं। पर मुश्किल यह है कि सरकार सजा देन नूं तां मूहरे हुंदियां ने, पर किसान नूं इनसेंटिव देन वेले किसान की बाह फड़न वेले पिछे हो जांदियां ने। मुश्किल सब तो वड्डी यह है वीरो कि पराली का मसला दशहरे ते शुरू हुंदा है, टका के दशहरी से आर्टिकल भी लिखणगे फलाना होगा, फिर जो दिवाली दी ठंडिया हवा आउंदी है ना पश्चिम चो उदों इह पराली का मसला उड जांदा है। लीडर भी मिट्टी पा दिंदे आ ते मीडिया भी मिट्टी पा दिंदा। मैं छाती ठोक के कह रहा इस गल ना ते पूरा साल इस मसले के हलों की चिंता होंदी है ना चिंतन होंदा है ते ना ही उन्होंने हल्लां पूरे पंजाब विच लागू किया जाता है। मैं अज तो कई साल पहला तो इस मसले को समझदा ते इसका हल भी समझदा। हुण उन्होंने हल्लां बंद कमरियां दे विच नहीं मैं दिंदा, हुण खुले आम सारी दुनिया के सामने उन्होंने हल्लां नूं दिंदा। ते मेरे हल 99% पंजाबियों वास्ते ने, गरीब वास्ते ने, पूंजीपतियां दे फायदे वास्ते नहीं, आम किसान दे फायदे दे वास्ते नहीं। पराली ते मेरी मंग है कि पंजाब सरकार किसानां वास्ते हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज बनावे ते उन्हां कोल्ड स्टोरेजां दे वास्ते बिजली पराली तो बनाई जावे। पराली तो बिजली बनाउण दी टेक्नोलॉजी पहलां तो ही मौजूद है। ये कोल्ड स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी ते भी चलणगे, बायोचार बायो सीएनजी मन्योर। पराली साडे पंजाब दे किसानां नूं खुद मुख्तियार भी बना सकती है ते अज किसान कोल
एक दिन की फसल रखने की क्षमता नहीं है, उसके कोल एक दिन भी फसल रखने की स्टोरेज नहीं है। तो अडानी साहब हिमाचल के सेब लेके कोल्ड स्टोरिया के विच रख के चार चार गुणा तीन तीन गुणा के उत्ते बेचते, जब पता कर लो हिमाचल का सारा फेर खरीदते सेब उसके विच रख लेंगे। तो गरीब किसान के कोल एक दिन भी अपना झोना रखने को कोई थां नहीं है, उन्होंने जड़ा रेट कोई दिता वो कहना कि मीह ना वाजे मेरा झोना गिला हो जूगा फट देने दे दूंगा। यह मुसीबत ने पंजाब के किसान दियाँ, जे किसी ने यह मुसीबत के उत्ते गौर की होंगी तो अज साडा यह हाल ना होंदा। जे पंजाब सरकार पंजाब के पिंडां विच कोल्ड स्टोरेज बना के किसान नूं दवे, उस नाल किसान की आमदन भी वधू, किसान की पराली फूकण की मुश्किल का भी ते पोल्यूशन का भी पूरा पूरा हल होगा। अज पंजाब का किसान रोज रोज धरने क्यों दिंदा है? क्योंकि उसकी वध रही लागत, उसकी घट रही आमदन, तेल के खर्चे, पेस्टिसाइड के खर्चे, ते अज उसकी जिहड़ी अशोर्ड इनकम सी उसकी MSP सी उसनूं खोण का डर, इस करके धरने लाउंदा मजबूरी दे विच। बीबियां भी आके नाल बैठदियां ने, कई फसलों के उत्ते MSP है वीरो दिंदे सिर्फ झोने के ने, दिंदे सिर्फ कणक दे। मक्की भी 1850 है, 600 च चक्की है, मक्की 800 च चक्की है, गन्ने वाले रुलते फिरते कहते ना डेट है तो ना ही कोई रेट है, लाइना ला के खड़े है। मैं धूरी मान वाले गया सी, उत्थे लाइना ला के खड़े भाई। किसान सिर्फ क्यों फसलां दो लाता? क्योंकि उन्हें तो सरकारी खरीद है, झोने ते है, कणक दे उत्ते है। ते जिहड़े केंद्र वाले कहिंदे ने वन नेशन वन मार्केट, इहदे कल्लियां APMC दियां मंडियां ही ने वन नेशन वन मार्केट, क्योंकि उत्थे रेट भी एक है ते सरकारी खरीद भी हुंदी है। मिनट 10-15 लाओ टका के सुनियो, देखो सारे कपाट खोल दूंगा, हल दे के जाऊं सारे। अज सानू लुट्टन की पूरी आजादी दे रही है अंबानिया के अडानिया, तो मैं कहना, मैं कह रहा कि पंजाब का हर छोटा किसान खुद मुख्तियार होकर अपने पैरों के उत्ते आप खड़ा। लड़ाई है साड़ी, असी कर सकते हैं। यू गॉट टू बी बिलीवर टू बी एन अचीवर। आप भी विश्वास होना चाहिए आप ना, संपर्क संपर्क जो टुटता आपके अंदरों तो संदेह पैदा होता, संदेह के उत्ते आत्मविश्वास पिघल जाता। कस्तूरी का मिर्ग होता जंगलों च पटकता है, उस खुशबू में लभण जी वो आदि नाभी चो आती है, असं अपने आप कर सकते हैं। अज पंजाब के पिंडों में मैं कोई दस दे भी पंचायत तो अलावा कोई होर संगठन किसान की आवाज बुलंद करता, मैं कोई दस। इसलिए मैं अर्ज करता हाँ कि किसान यूनियन पहल कर, हर छोटे तो छोटे किसान का हक आप कोऑपरेटिव बना के उन्होंने भागीदार बना के बचा सकते हैं। एक कानूनी इकाई उन्होंने को बड़े बड़े वकील ने, कितने लड़ूगा दो एकड़ा किसान? ये ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजा वांग वंड वंड के दो एकड़ वाले अड रेट से, 10 एकड़ वाले अड रेट, ये आ करे। असी एक कानूनी इकाई बनाइए, सिंगल लीगल एंटिटी बना के, कोऑपरेटिव बना के, जिस विच बीजन का बेचन का दोनों का मुनाफा किसान कमा सकता। यह कोऑपरेटिव की जिहड़ी सफलता है, यह छोटे किसान की सफलता है, यह साडी 90% किसानी की सफलता है, ते केंद्र दे लागू कीते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सफलता। मतलब एक दो पूंजीपतियां अंबानी ते अडानी जिहड़े कठपुतली बना के सरकारां नूं नचाउंदे आ, जिहड़े नीतियां उन्हां तों आप बनवाउंदे आ, ते गाणा भी गाउंदे आ, नाच मेरी बुलबुल अगे पता ना की है ना, नाच मेरी बुलबुल नचाउंदे आ, नीतियां इह बणाउंदे आ, 5-5 लाख करोड़ के फायदे लेंदे आ, बैंक लुटते हैं 18-18 लाख करोड़ रुपया, तो जो किसान नू 4 पैसे देने होंगे कहते सबसिडी, तो जो इन्हों लुट छटनी होंगी है तो कहते इंसेंटिव। वाह तेरे ए, 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 ना दिया पॉलिसिया ने